अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स, कैसे हैं आप? आज दिल चाह रहा है कि आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, एक ट्रू स्टोरी शेयर की जाए। आज से 8-9 साल पहले लंदन में मैं शॉपिंग के लिए निकला, तो वहाँ पे एक हजूम था, लड़ाई हो रही थी। तो लोग इर्द गिर्द थे लड़ाई छुड़ाने के लिए, ओबियसली। तो मैं जब गया तो लड़ाई तो छुड़ा दी गई। एक नौजवान एक आदमी की लड़ाई थी। नौजवान जो आदमी था, नौजवान लड़का आदमी को मार रहा था, नीचे गिराया हुआ था और उसके सीने पे बैठ के उसके मुंह पे थप्पड़ मुक्के घूंसे लातें ये सब कुछ उसने मार दी हुई थी। वो बेचारा रो रहा था। जब लड़ाई छुड़ाई गई तो पता चला बेटा बाप को मार रहा है। बड़ा अफसोस हुआ और खून के आंसू बेचारा वो रो रहा था। उस आदमी को साइड पे ले गए, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, टूटिंग एक जगह है वहां पे। तो जब उससे पूछा और उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसने मुझे मारा है और इसकी मार से जो जख्म लगे हैं ये हील हो जाएंगे, मगर जो जख्म इसने दिल पे लगाया वो कभी हील नहीं होगा। ये दर्द खत्म हो जाएगी मगर जो सीने में दर्द है वो कभी खत्म नहीं होगी। ये आंसू रुक जाएंगे मगर आंखें नम ही रहेंगे। बड़ा अफसोस उस शख्स को हुआ, हमें भी बहुत अफसोस हुआ। गुजारिश ये है, जो फादर होते हैं बाप होते हैं वो ऊपर वाले की एक खास नेमत है, उसकी कदर करें। ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए। अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें, बहुत प्यार करें, उनकी हर बात को माने सुने। और मेरा ये मानना है और ये मेरा दावा भी है कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है और वो एक मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ही आला किस्म के और बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग और ब्लेस्ड पेरेंट्स हैं। अल्लाह के बाद माँ बाप हैं इस दुनिया में, जो आपका सोचते हैं, आपका आपकी फिक्र करते हैं और आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो गुजारिश सबसे ये है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें और माँ बाप से गुजारिश है जो मेरा प्रोग्राम देखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत इजीली हम कह देते हैं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो सुनती नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ उसमें कसूर माँ बाप का है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। एनीवे, क्रिकेट पे आ जाते हैं। ये एक ट्रू स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, अभी T20 सीरीज शुरू होगी और मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपने किसी भी टूर्नामेंट की, मेगा इवेंट आ रहा है तो साल पहले उसकी प्रेपरेशन होती है। तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1 साल रह गया है, तो अभी से अगर तैयारी की जाएगी तो साल जब आएगा ये सारे जितने भी नए चेहरे पुराने चेहरे मिलके जब कम्बिनेशन बन जाएगा तो आसानी हो जाएगी कि सारे जो प्लान्स आपने एग्जीक्यूट किए हुए हैं वर्ल्ड कप से पहले, जो मैचेस खेले और जितने भी प्लान्स बनाए हैं उसकी एग्जीक्यूशन की है, पहले बैटिंग बाद में बैटिंग, पहले बॉलिंग बाद में बॉलिंग, तो आप इतना टीम का आपस में बाउंडिंग हो जाती है, टीम आपस में इतनी घुल मिल जाती है, उनको पता चल जाता है एक दूसरे की स्ट्रेंथ का और एक दूसरे के प्लान्स का, एग्जीक्यूशन का। और टीम 1 साल से जब इकट्ठी लड़ती है, हारती जीतती है, तो जब मेगा इवेंट आता है, बड़ा टूर्नामेंट आता है, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और टीम आप फिर जब पहला ही मैच होता है तो आपकी टीम साल पहले से बनी होती है, बेस्ट 11 बन चुकी होती है। वरना अक्सर ऐसा होता है जिनकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं होती और वो प्रेपरेशन 2-3 हफ्ते या 1 महीना पहले कर रहे होते हैं तो कभी भी उनकी बेस्ट 11 उनको पता ही नहीं चल पाता, पूरा टूर्नामेंट निकल जाता और बेस्ट 11 का पता नहीं चलता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया की टीम के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो T20 जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करेंगे। जितने भी नए चेहरे हैं, और मैं ये समझता हूँ ये जितने भी नए चेहरे हैं ये राहुल द्रविड़ की सुपरविजन में, उसके परों के नीचे से, यानी उसने ट्रेनिंग दी होगी और ये सारे के सारे डायमंड होंगे क्योंकि उसने तराशे हुए हैं। गुड लक टू इंडिया। वेस्ट इंडीज़ के भी कुछ नए चेहरे हैं और आई एम श्योर उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर वहाँ पे भी
इन सब नए चेहरों के ऊपर काम कर रहे होंगे। गुड लक टू वेस्ट इंडीज़, लेट्स एन्जॉय ये जो सीरीज़ हो रही है इंडिया वर्सेज़ वेस्ट इंडीज़। अपना ख्याल रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपने क्योंकि सब्सक्राइब किया है, आपके सवाल आपकी राय बहुत ही बायस इज़्ज़त है मेरे लिए। रब राखा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सकलैन मुश्ताक हाइट्स जदीद तर्ज जिंदगी और फैमिली की जरूरियात के ऐन मुताबिक है। प्रेयर एरिया और कुरान अकेडमी, वसी और कुशादा कॉरिडोर्स, लॉबी और एक्सेस एरियाज, रिहायशियों के लिए महफूज और मेहमानों के लिए वसी कार पार्किंग, सर्विलेंस और बैंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर के साथ पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स, फर्श और किचन में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल, पैनोरामिक विंडोज और बैल्कोनीज जहां से हिल और लेक का नजारा किया जा सकता है, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सेटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस, तमाम अपार्टमेंट्स दिलकश डिजाइन, पायदार वुडवर्क और देरपा फिक्सर से मुजयन है, ओपन और क्लोज किचन ऑप्शंस, दीदा जेब फ्लोर प्लान्स, अच्छे खुशगवार और फैमिली माहौल की जमानत, कूड़ा करकट के लिए गार्बेज शूट सिस्टम, तामीराती काम की निगरानी के लिए आईपी कैमरों का इस्तेमाल, स्विमिंग पूल और जिम, फैमिली मेंबर्स के लिए तफरीही और पुरफिजा मकामात। हम बेहतरीन से कम की जमानत नहीं देते, इसीलिए हम इंडस्ट्री के बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजर से काम करवा रहे हैं ताकि तमाम रिहायशियों की हिफाजत और सहूलत को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह सकलैन मुश्ताक हाइट्स में इंतहाई आला दर्जे, पायदार और काबिले एतबाद कंपनीज का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है।